Good morning, students. Today we are going to discuss the question number 3 of your exercise. Okay, before doing this, let us discuss some facts. Okay, for example, if I'm saying 22 by 7, okay, you will get 3.14 and so on, which term is non terminating. Okay, aapke paas jo ye term aati hai, kya aati hai? Non terminating. Okay, and also non repeating. It means this is your value of pi, which is irrational. जो आपके पास क्या होती है irrational. Okay. Now let us talk about 4 by 5. Okay. When you divide 4 by 5, what will get? That is 0.8. Okay. You will get 0.8 when you divide. ठीक है. And the question is terminating. ये आपके पास क्या आ गया? Terminating आ गया. Then it is completely divisible. Okay, when we are talking about 1 by 3, we will get 0.3333 and so on. This is irrational number. Okay, this is rational number as the term is terminating. Okay, now what about this? ये आपके पास कैसा number? Okay, this number is rational. इस तरीके के number भी आपके पास क्या होते हैं? Rational, which can be written in the form of p by q. It means this can be written as 0.3 bar. मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस भी term के ऊपर आपके पास bar होता है, उसका meaning क्या होता है? कि वो जो term है आपकी, ठीक है? वो जो term है आपकी, वो क्या हो रही है? Repeat हो रही है. Okay, now अब हमें अगर इस तरीके का नंबर गिवन है तो उसे इस फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, हमें इसका प्रोसीजर करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास 0.3 जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, आपको उतने से ही डेसिपल फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई करना है. अब वाई हम सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? बिकॉज जो आपका नंबर सिस्टम होता है, वी विल टेक वंस, राइट, यूनिट डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट, हंड्रेड डिजिट. वी आर टॉकिंग अबाउट 10, 100, 1. ओके, हम सिर्फ इनके बारे में बात करते हैं, बिकॉज इन्हीं के ऊपर आपका पूरा नंबर सिस्टम बेस्ड होता है. दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद द 10, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? 3 by 10. ओके, इट मीन्स दैट, राइट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 0.3 तो इसका मीनिंग है 3 by 10, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 0.33 देन वी गेट 33 by 100. ओके, सो दीज आर दी बेसिक टर्म्स जो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन. हियर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. आपका जो क्यू है वो क्या है? नॉट इक्वल्स टू जीरो. और आपको क्या करना है, यानी रैशनल फॉर्म में एक नंबर को क्या करना है? रिप्रेजेंट. 0.6 bar, इट मीन्स 0.6666, इट मीन्स दैट. ओके, नाउ लेट, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 bar, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट इट एज अ फर्स्ट. ओके, होप सो आपको यहीं तक, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस नंबर को लिखा है. ओके, ध्यान से इस प्रोसीजर को समझ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10. ओके, मैंने आपको पहले बोला था पॉइंट के बाद अगर सिंगल डिजिट है आपके पास तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 10x इज इक्वल्स टू, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो ये एक पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इट मीन्स ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज 6.666. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ओके, आप कहेंगे कि मैम ये हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, चलिए देख लेते हैं. मान लीजिए आपके पास 0.66 है, ठीक है, मैंने कहा मल्टीप्लाई इट विद द 10, व्हाट विल यू गेट? 66 by 100 मल्टीप्लाई विद द 10. ये 0 से 0 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 by 10, विच इज 6.6. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब भी आपके पास इस तरीके का नंबर होगा देन आपका ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा? शिफ्ट. ओके, 1 0 लेस हो जाएगी, 6.666. दैट इज योर सेकंड इक्वेशन. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट. आपको क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स 10x इज इक्वल टू 6.666. ओके,
डॉट कंटिन्यू चलेंगे हमारे, x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन. बाय सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 9x एंड हेयर वी गेट, देखिए सारे नंबर सेम है तो इट मीन 0 एंड हेयर इज 6.000 राइट. एंड आफ्टर डेसिमल देर इज नो पॉइंट ऑफ जीरो, सो x इज इक्वल टू 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3. ओके, देयरफोर आपको लिखना क्या है, देयरफोर ऑन कन्वर्टिंग 0.6 विच इज इक्वल टू 2/3 राइट, ऑन कन्वर्टिंग इज इक्वल टू 2/3 वी गेट P/Q एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू नॉट इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0, P इज इक्वल्स टू 2, Q इज इक्वल्स टू 3, बोथ आर इंटीजर्स. ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, मैंने यहां नीचे लिख दिया है ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ जाएगा, बोथ आर इंटीजर्स, ये आपके पास क्या है इंटीजर्स. ओके, ये बात हुई आपके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपके पास है 0.47. ओके, सो लेट अस टेक x इज इक्वल टू, देखिए उसी प्रोसेस से 0.47 इम्प्लाइज, हमने यहाँ x को ऐसे लिखा था, सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.47 एंड सो ऑन. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10. ओके, 10x इज इक्वल टू 4.777 शिफ्ट हो गया आपके पास एंड सो ऑन. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहाँ पे देखिएगा आपके जो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं वो आपके पास सेम नहीं आएंगे ठीक है. सेकेंड, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. आपने करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है. 10x इज इक्वल टू 4.7777, x इज इक्वल्स टू 0.4777. ओके, यू गेट 9x. अब जहां तक आपके नंबर सेम है, 7000, 7-4 इट इज 3 एंड हियर इज 4.3. ओके, आपके पास ये फॉर्म आ गई, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4.3/9. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वेन एवर देर इज अ वन पॉइंट यू गेट 43/9 इनटू, अब इस पॉइंट की वजह से मैंने यहां पे क्या लिख दिया 10, यानी 43/9 इज टू 10 विच इज इक्वल टू 43/90. ओके राइट, सो x इज इक्वल्स टू 0.47 विच इज इक्वल टू 43/90. आप इसको चाहे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये हमारे पास यही नंबर आएगा. ओके, 43/90 विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P इज इक्वल टू 43, Q इज इक्वल टू 90, बोथ आर इंटीजर्स and q is equals to 90 not equals to 0 आपके पास, या फिर q not equals to 0 भी आप लिख सकते हैं ठीक है. दिस इज अ प्रॉपर वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन द रैशनल फॉर्म. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव 0.001. ओके, सो इन दिस व्हाट वी विल डू, इसमें हम क्या करेंगे देखिए, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं. जैसे 0.001 है. ओके, नाउ After decimal point we have 3, so we multiply x is equals to 0.0. इस बात का मतलब देखते हैं हमारे पास क्या होगा ठीक है, इस बात का मतलब हमारे पास क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 0.001, इट मीन्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट दीज थ्री नंबर्स आर रिपीटेड, इट मीन 0.001 अगेन, 0.01 अगेन, 0.01. वेन यू आर टेकिंग x इज इक्वल्स टू दिस, जितने नंबर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं आपको उतनी 10^10 से मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 डिजिट, इट मीन्स यू विल बी मल्टीप्लाई इट बाय 1000.
ठीक है, मान लीजिए आपके पास है 0.47 बार, देन यू मल्टीप्लाई इट विद द 100. इफ यू हैव 0.4748 बार, देन यू मल्टीप्लाई इट विद द 10,000. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट. ओके, एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि थर्ड पार्ट का आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकला, बट इज अ वैल्यू ऑफ दैट. ओके, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. थैंक यू सो मच.